हेलो एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू द एग्जाम क्रेकर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी स्पेशल 51 क्वेश्चन। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो अरिहंत स्पेशल होगी, क्योंकि मैं आज से अरिहंत स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रही हूँ, जो कि आपको हर रोज इवनिंग में मिल जाएगी। एक्चुअली कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दी आप कोई ऐसी बुक सजेस्ट करो जो कि हिंदी पेडागोजी और CDP के लिए बेस्ट हो। तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि CDP के लिए और हिंदी पेडागोजी के लिए आपको अरिहंत की बुक और लूसेंट भी अच्छी है, और इंग्लिश पेडागोजी के लिए आप चाहे तो दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज से अरिहंत बुक की पेडागोजी। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। दूसरा ऑप्शन है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। और चौथा है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। पहला ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करके। दूसरा है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तीसरा है समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। और चौथा है अनुकूलन की प्रक्रियाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुकूलन की प्रक्रियाएँ। नेक्स्ट है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पुरुष संक्रियात्मक बच्चे याद करने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। दूसरा ऑप्शन है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। तीसरा है व्यक्तिगत कल्पित तथा, और चौथा है विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट ना सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विचार की अनुत्क्रमणीयता पलट ना सके। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। दूसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अस्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया। तीसरा है कोहलबर्ग ने प्रस्ताव दिया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। और चौथा है कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। पहला ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तीसरा है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। और चौथा है विकास अधिगम का समानार्थक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिपेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। दूसरा ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। और चौथा है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप में प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा है बी.एफ. स्किनर, तीसरा है यूरी फैन ब्रेनर और चौथा है लेव वाइगोत्स्की। तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8,
आप एक शिक्षिका या फिर शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी है तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पहला ऑप्शन है पारंपरिक, दूसरा है पूर्व पारंपरिक, तीसरा है उत्तर पारंपरिक और चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो एट का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, उत्तर पारंपरिक। नेक्स्ट है, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। पहला ऑप्शन है साभिप्राय व्यवहार, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है समस्या समाधान और चौथा है प्रयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पहला ऑप्शन है संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, दूसरा ऑप्शन है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और भी पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, तीसरा ऑप्शन है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं और चौथा है स्वनिर्देशित वाक् सहयोग से का निम्नतम स्तर है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिपेक्ष में निम्न में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप में स्पष्ट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, क्योंकि विकास क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? पहला ऑप्शन है खोजपूर्ण अधिगम, दूसरा है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, तीसरा है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता और चौथा है व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला ऑप्शन है सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, दूसरा है विभिन्न चरण एक गैर पादानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, तीसरा है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम और चौथा है विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि समाज प्रतिमान। तो 13 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। नेक्स्ट है, कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते, वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है, वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पहला ऑप्शन है परंपरागत, दूसरा है पश्च्य परंपरागत, तीसरा है पूर्व परंपरागत और चौथा है परंपरागत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, पश्च्य परंपरागत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहला ऑप्शन है वर्णन करना, दूसरा है पहचान करना, तीसरा है अंतर करना और चौथा है वर्गीकृत करना। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, अंतर करना। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिपेक्ष के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिपेक्ष विकसित करेंगे। पहला ऑप्शन है तर्कसंगत, दूसरा है आत्मसात, तीसरा है निर्माण और चौथा है संक्रियाकरण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, आत्मसात। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, दूसरा ऑप्शन है बच्चे उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है, तीसरा ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान और चौथा है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्ते कार्य देना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री, सहयोगात्मक समस्या समाधान। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन कारणों का अनुसरण करते हैं? ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी व्यक्तिकता और विनिमय, सी अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध और डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 3, बी और ए। नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। यह विचार डेस द्वारा रखा गया। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है वाइगोत्स्की और चौथा है पेवलाव। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं। पहला ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, दूसरा है मूर्त चिंतन, तीसरा है सामाजिक चिंतन और चौथा है अहम केंद्रित व्यवहार। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। पहला ऑप्शन है अलग आयु में अलग तरह से, दूसरा है अलग चरणों में समान तरीके से, तीसरा है संदर्भ के अनुसार और चौथा है अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अलग आयु में अलग तरीके से। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक, दूसरा है अनुवांशिक, तीसरा है नैतिक और चौथा है शारीरिक। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सामाजिक। 23, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके द्वारा संबंधित है। पहला ऑप्शन है सामाजिक मुद्दों से सरोकार, दूसरा है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता और चौथा है विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, दूसरा है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर और चौथा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्षण, दूसरा है समायोजन, तीसरा है समावेशन और चौथा है स्कीमा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, समावेशन। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है सहयोग की नैतिकता, दूसरा है नैतिक तर्कना, तीसरा है नैतिक यथार्थवाद और चौथा है अनैतिक यथार्थवाद। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नैतिक तर्कना। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु और स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पुरुष संज्ञानात्मक अवस्था। तो वस्तु और स्थायित्व संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा प्रस्तुत करने लगता है। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं इस सिद्धांत का श्रेय डैश को जाता है। पहला ऑप्शन है पियाजे, दूसरा है पेवलोव, तीसरा है कोहलबर्ग और चौथा है स्किनर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पियाजे। नेक्स्ट है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है कहलाता है। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 30, बच्चों के बौद्धिक विकास की चार विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पहला ऑप्शन है कोहलबर्ग द्वारा, दूसरा है एरिक्सन द्वारा, तीसरा है स्किनर द्वारा और चौथा है पियाजे द्वारा। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष एवं ऊपर, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय नेचुरल शब्दों को समझने के द्वारा,
दूसरा है अमूर्त तरीकों से चिंतन द्वारा, तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, और चौथा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, पहला ऑप्शन है संवेदन प्रणोद अवस्था कहलाता है, दूसरा है औपचारिक अवस्था, तीसरा है पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, पूर्व क्रियात्मक अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका कथन है कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है कोहलबर्ग, तीसरा है स्किनर, और चौथा है वाइगोत्स्की। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जीन पियाजे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है, पहला ऑप्शन है लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा है लेव वाइगोत्स्की, तीसरा है जीन पियाजे, और चौथा है स्किनर। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा है लॉरेंस कोहलबर्ग, तीसरा है फ्रायड, और चौथा है सियर्स। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है, पहला ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है संवेदी प्रेरक अवस्था, और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होने लगते हैं, पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था में, दूसरा है बाल्यावस्था में, तीसरा है किशोर अवस्था में, और चौथा है प्रौढ़ अवस्था में। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, किशोर अवस्था में। नेक्स्ट है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है, पहला ऑप्शन है व्यवस्थापन, दूसरा है शात्मीकरण, तीसरा है खोज, और चौथा है निर्माण। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, शात्मीकरण। नेक्स्ट है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है, पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा है वाइगोत्स्की, तीसरा है जीन पियाजे, और चौथा है कोहलबर्ग। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जीन पियाजे। नेक्स्ट है, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है, पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, किशोरावस्था। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है, पहला ऑप्शन है परिवार का, दूसरा है विद्यालय का, तीसरा है समाज का, और चौथा है धर्म का। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि वाइगोत्स्की ने समाज को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। नेक्स्ट है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की चार अवस्थाओं में औपचारिक संक्रियात्मक अथवा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है, पहला ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा है 2 से 7 वर्ष तक, तीसरा है 7 से 11 वर्ष तक, और चौथा है 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, किसी मतलब उनकी जो चारों अवस्था है उनसे एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो वो किसी भी अवस्था से रिलेटेड या तो टाइम पूछ लेगा या फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार 10 वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 9, और चौथा है 10। तो क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 6। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है, पहला ऑप्शन है जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, दूसरा है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरा है तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, और चौथा है 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है,
लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। पहला ऑप्शन है स्वकेंद्रित अवस्था, दूसरा है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, तीसरा है आधारित आत्मचेतन अवस्था और चौथा है आधारयुक्त आत्मचेतन अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 48, वाइगोत्स्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था कम, दूसरा है बाल्यावस्था किशोरावस्था कम, तीसरा है बाल्यावस्था किशोरावस्था तीव्र और चौथा है बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था और तीव्र। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक डैश में जिस प्रकार की डैश प्राप्ति होगी उसका डैश भी उसी प्रकार होगा। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, समाज सुविधाएं विकास। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को समाज में जिस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास भी उसी प्रकार होगा। नेक्स्ट है बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। दूसरा है बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। तीसरा है बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो उसके स्व अर्थात आत्मकल्याण से जुड़ा होता है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये सभी। नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। पहला ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पुरुष संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 51 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये सेशन कैसा लगा लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।